नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिक्सिर नियोगुर्टीन दवा के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एलिक्सिर नियोगुर्टीन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर या बिना प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाला दवा है। ये दवा का मैन्युफैक्चरर है राप्टाकोस ब्रेट एंड को लिमिटेड। नियोगुर्टीन सिर्फ एक ऐसी दवा है जिसमें सक्रिय तत्व के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैंगनीज सल्फेट, नियासिनामाइड, आयोडाइज्ड पेप्टोन, पाइरिडोक्सिन, सोडियम मेटावेनाटेट और जिंक सल्फेट मौजूद होते हैं। ये शरीर में हृदय की अति सक्रिय मांसपेशियों को धीमा करके अपना कार्य करता है। यह इंसुलिन के प्रभाव को भी बढ़ाता है और हपी सिंप्लेक्स वायरस के विकास में बाधा डालता है। इस दवा में मौजूद आयोडाइज्ड पेप्टोन पाचन एंजाइमों के विकास में सुधार करने में मदद करता है और मैंगनीज क्लोराइड स्टार्च पचाने वाले एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ाता है। नियोगुर्टीन सिर्फ पाचन तंत्र में जलन का इलाज और पाचन में सुधार के लिए काम करता है। वे लार और गैस्ट्रिक ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाते हैं, भूख को तेज करते हैं और पाचन को बढ़ावा देते हैं। ये कब्ज और पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाकर पेट को खाली करने में भी मदद करता है। भूख न लगना और वजन कम होना जैसी स्थितियों में भी यह सिर्फ फायदेमंद साबित होता है। यह एडिसोनियन अनीमिया, मांसपेशियों के विकार, तपेदिक अवरोध, धमनियों और त्वचा संक्रमण जैसी स्थितियों में भी सुधार करता है। ये जल प्रतिधारण, मधुमेह, सिफिलिस, उच्च कोलेस्ट्रॉल, जीवाणु बीजाणु और विटामिन B12 की कमी को नियंत्रित करता है। इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं जैसे कब्ज, दस्त, चक्कर आना और उनींदापन। लेकिन दोस्तों, ये दुष्प्रभाव ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। इसके अलावा अन्य कोई दुष्प्रभाव दिखाई दे तो अपनी डॉक्टर से बात करें। नियोगुर्टीन सिरप के खुराक अपनी डॉक्टर के सलाह अनुसार लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मरीज की आयु, लिंग, वजन और बीमारी की स्थिति को देखते हुए खुराक निर्धारित करते हैं। आमतौर पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच रात को भोजन से 5-10 मिनट पहले लेनी है। ये दवा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपनी डॉक्टर की सलाह अनुसार लेनी चाहिए। ये सिर्फ केवल 18 साल से ज्यादा आयु के लिए है। इसे बच्चों को न दे। किडनी, लिवर और हार्ट की मरीजों को अपनी डॉक्टर की सलाह पर ये दवा लेनी है। दोस्तों, ये दवा से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।